जय श्री कृष्ण। हाय हेलो, केम छो, मजे में। मैं हूँ वृंदा वैसा और आप देख रहे हो वृंदास किचन। वृंदास किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं ट्रेडिशनल स्वीट, जो बहुत ही कम समय में बनती है, जो बहुत ही आसान है और जो बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बनती है, जिसका नाम है लौकी का हलवा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। लौकी का हलवा बनाने के लिए हमें इंग्रेडिएंट्स कुछ इस प्रकार चाहिए: लौकी, इलायची, दूध और शक्कर। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर करीब 1 किलो लौकी ली है। इसका हमें छिलका निकाल लेना है। हमने लौकी का छिलका निकाल लिया है। अब हमें इसे कट कर लेना है और फिर इसे भी कट कर लेना है। अब हम लौकी को अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। ये हमारी ग्रेट की हुई लौकी अब रेडी है। अब हम इसे पका लेंगे दूध में डालकर। तो चलिए चलते हैं गैस के पास। मैंने एक कढ़ाई में ग्रेट की हुई लौकी ले ली है। अब हम इसमें 1/2 लीटर दूध ऐड कर देंगे। ये फुल फेड मिल्क है। हम इसे करीब 20 मिनट मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। हम लौकी के हलवे को प्रेशर कुकर में नहीं बना रहे हैं, हम इसे ओपन पॉट मेथड से बना रहे हैं। ओपन पॉट मेथड में बिना ढके हुए बनाना होता है, इसे कहते हैं ओपन पॉट मेथड। ये जो होता है, इससे हमारे लौकी के हलवे का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है और इसका कलर भी बहुत ही सुंदर आता है। हमारा हलवा अब हाफ को खो चुका है। अब हम इसमें और 1/2 लीटर दूध ऐड कर देंगे। इससे क्या होगा कि हमारे लौकी के हलवे का फ्लेवर बिल्कुल हलवा की तरह आएगा। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा हलवा नीचे से चिपके ना, इसलिए हमें बीच बीच में चलाते रहना है। आप देख सकते हो कि ये अच्छे से कुक हो रहा है। ये बिल्कुल मावेदार लग रहा है। जब तक इसका पूरा दूध जल ना जाए, तब तक हमें इसे पका लेना है। आप देख सकते हैं कि हमारा हलवा कुक हो चुका है। बिल्कुल इसी स्टेज पर हमें इसमें शक्कर ऐड करनी है और इलायची भी ऐड कर देनी है। मैं इसमें 250 ग्राम शक्कर ऐड कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर 5 इलायची ली थी। इसको मैंने शक्कर के साथ दर दरा पीस लिया है। अब हम इसे उससे भी ऐड कर देंगे और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें इसे तब तक कुक करना है जब तक हमारे शक्कर का पानी बिल्कुल जल ना जाए। आपकी इंतजार की घड़ियां खत्म होने आई है। अब इसे हमें सिर्फ 2-5 मिनट ही पका लेना है। उसके बाद हम इसे सर्व कर लेंगे। अब हमारी लौकी का हलवा बिल्कुल रेडी है। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और फिर इसे सर्व कर देंगे। तो लीजिए, हमारा लौकी का हलवा बिल्कुल रेडी है। हमने इसे सर्व भी कर लिया है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो आप भी घर पर जरूर ट्राई करें और आपका अनुभव हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। और बाजू में रखे बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। थैंक यू, गुड बाय।